माँ को सब कती उम्मीद ना थी साला यहाँ पर कोई खाने को टोक देगा कोई भी। यहाँ भाई किन किन चीजों की टोक है तुझे नहीं भाई, हम तो ना देखा कौन कितना खा रहा, तुम खाते रहो या कोई भी, ये इनका तो देखू ना मैं खावे का भाई। मुझे कह रहा मेरे लिए मत बनाओ आप खाना, मैं नहीं खा रहा। अरे भाई हद है। बोला स्पेशली हाँ उधर ही बैठ के मैं नहीं खाऊंगा। और ये लड़कियां बोल रही हैं दोनों कि खा लो बनाए एक्स्ट्रा है रखा हुआ है। तो मतलब सीक्वेंस वाइज उसने पहले एनजीओ वाली बात की, उसके बाद बोला कि हम मेरे लिए खाना मत बनाना, सिर्फ तुम्हें ये बनाएगी तो खा लेगा और बेबी का बनाएगी तो खा लेगा। नहीं उनको भी मना ही कर रहा था, नहीं नहीं एक्स्ट्रा मत बनाओ, इनको भी मना ही कर रहा था। नहीं नहीं एक बार हमें टोक देते हैं तो हम दोबारा नहीं खाते। मेरे लिए खाना मत बनाओ किसको बोला? मुझे समझ रहा, तूने खाना लेते लेते मैं कह रहा हूँ तूने रख दिया तो वो बहुत गलत है। वो ऑडियंस देख रही है पर भगवान भी देख रहा भाई, वही तो बात है कि सारा खाना छुटवा दिया मेरे हाथ से, मैंने तो कदम इससे बुरा भी ना करा। मारा ले ले यार मेरे दही खा ले, मेरी कॉफी पी जा। हाँ यार हमारी ब्रेड ले ले, हमारी ब्रेड ले ले एक्स्ट्रा, हम तो फ्रूट पे जी लेंगे तू खा ले, पर ये दो दो तीन तीन रोटी वाला सिस्टम तो मत करें, या करे तो अपने मन मन में बोल, मुंह पे मत बोल, या पीछे से बोल ले किसी और को। अब यहाँ बैठी कह रही नहीं मैं नहीं खा रही, मैं सोच रहा मैं क्या ऐसे ऐसी तैसी में जाऊँ। अब मैं इसे नहीं कहूँगा कोई बात नहीं मेरी बातों का बुरा लग गया सॉरी, आप तो खा लो, खा खाओ ना खाओ मत खा, मेरी भी तो छुटवाई है। मत का भाई 100 बार मत का, ये ड्रामे मत बनावे। कह रही आप तो मुद्दा बना रहे हो इस चीज़ का, मैं कहा ये मुद्दा है और कह रही मुझे आपसे बहस नहीं करनी, मैं कहा बहस करने थोड़ी आया हूँ। तूने अपने आप को एक्सप्रेस करा ना, वो मुझे जेन्युइन बताऊँ मेरे को भी अच्छा लगा, मेरे को जेन्युइन में वहाँ बैठा हुआ था, तूने ये बात बोली ना। सुन रहा था मैं, सुन तो रहा ही था, अलग जोन में था, पर जब तूने ये बात बोली एनजीओ मुझे लगा, पहले मुझे नहीं पता नहीं था कि तू वो बात करके इस बात पे आने वाला है ठीक है, पर तूने जब वो बात घुमाई मुझे लगा पहले तो उसको बोल रहा कि आप एनजीओ है ना हम आपको हेल्प करेंगे, वो भी खुश हो रही थी कि हाँ हाँ, फिर तूने जो एंड में पॉइंट मारा ना वो बहुत मतलब एक समझदार पॉइंट था कि भाई देख तुम कभी हमारे पास आना फिर हम पूछेंगे नहीं, तो वो मतलब इट वॉज गुड मतलब, बट फिर उसके ये कि मतलब जो उन्होंने करा ऑब्वियसली दैट वॉज भीविका कह रही लड़ो मत, मगर लड़के मैं जाऊँगा भी कहाँ, मुझे तो यहीं रहना इसका मुझे पता नहीं। इट्स गुड यार, अपने मन में बात आई करो यार, तभी तो नहीं तो बन सारा वही वन में डोलते रहेंगे फिर हमें इंसान खटकेगा। इस बात में तो जो खटकेगी भी नहीं मेरे को, ऐसे नहीं खटकेगी मेरे को इन चीज़ों में, अविनाश नहीं खटका मेरे को अभी तक गलत वाले तरीके से, तो मुझे तो हेट हो गई, हेट पेट तो क्या ही होगी इस, ये वो सोच में होगी कि ये खा जाएगा साड़ा अविनाश का खाएगा, अविनाश के कम ना पड़ जाऊँ। अभी तो 6 फालतू हैं, मुझे पता 6 फालतू हैं, अभी अगर कैलकुलेटेड था इनका सौदा तो ये 6 कैसे बनेंगे एक्स्ट्रा, अभी इनके जैसा बनूं मैं अभी। क्यों इतना आटा इतना क्यों ले लिया जब इतने बंदे खाने वाले, तूने वेस्ट कैसे कर दिया। वैसे एक पॉइंट पे आप कहते हो कि मैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहती, मेरा अन्न जमीन में जाता है तो मेरा दिल दुखता है, फिर आप एक पॉइंट पे कहते हो ज़्यादा मत खा लियो। समझ रहा है वो जमीन कैलकुलेटेड बने हैं, फिर फालतू बच जाते हैं। इसके हाथ का बना हुआ मुझे ना खाना, क्या बना हुआ है कोई ऐसे मत सोच, क्योंकि ऐसे पता है यहाँ ड्यूटीज हैं। अब एक वक्त मेरी भी जिद अड़ गई थी, मेरे को नहीं खाना बेबी का हाथ का, नहीं खाया मैंने एक हफ्ता, बट फिर धीरे धीरे ड्यूटी स्विच होती रहती हैं, कभी कभी होता है कि लंच और डिनर का एक ही आदमी बनाएगा, समझ रहे, तो फिर उसका पॉइंट नहीं है, फिर कल को आज तो आपकी बात नहीं हो रही, कल आप ठीक हो जाओगे, इनसे बातचीत हो रही है। यार इनसे तो ठीक ही था मैं, गलत कहाँ था, वो अभी भी ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो अड़ा, ऑब्वियसली शी वॉज रॉन्ग एंड शील रियलाइज ऑब्वियसली 100%। उस दिन जब यहाँ पे इसके कपड़े क्यों चुने, इसका अलग ये सिस्टम है, इससे किसी ने कह दी क्या, किसी उसने कह दी क्या मेरे जैसे ने। अरे यो क्या पैर रखाता है मैं, बदल का ऐसा चल, हम तो नहीं डोले हैं कहीं, इसने ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया था कि मुझे घर की याद आए और मैं घर भागने को रेडी हूँ। चुप क्या, बिग बॉस वाले दिमाग से सोचा जाए तो जैसे तुम लोग हिसाब लगाओ ना, अरे इसने ऐसा करा वैसा करा, मुझे आता नहीं इतना, फिर इसने सोची एक काम करती हूँ उसे टोक देती हूँ, उसे मम्मी की याद आएगी और ये घर भगने को होगा।
काश ऐसा होता, काश समय है। रामटे भी अच्छे थे तो बनाए भी साढ़े मेरा एक छोटा था, छोटा परामटा खा लिया एक मैंने, इसलिए तो भूख लगी। बस कर भाई, तेरे को खाना है तो बता, मैं ले आता हूँ। नहीं अंडा खा ले। अरे अभी खाने का तो है जी, पर खाऊ ना अभी। खा लिया मैंने वो फ्रूट, खा लिया फ्रूट के लिए भी तो टोक रही थी उस दिन। पलक की तो आके कह रही थी उस दिन सबको कि वो किचन में कि अब खाना वेस्ट होता है, कोई बोल देता इतने खानी है फिर उतने खाता नहीं है, कुछ लोग फ्रूट खा लेते हैं, फ्रूट तो साढ़ा मैं ही खाऊँ ज़्यादा, कुछ लोग फ्रूट खा लेते हैं। मैं मेरी साइड देख के बोल रही, फ्रूट तो सब खाते हैं यार। अरे मैं ज़्यादा ना खाऊँ वे हरे वाले नाशपाती ना, बब्बू गोसा खाऊँ मैं ज़्यादा। कुछ लोग फ्रूट ज़्यादा खाते हैं फिर वो ये वो, मगर इससे क्या लड़ूंगी तू, इससे दो बात ऊंची आवाज में बोल जा रो देगी। सिस्टमेटिक टॉक करें इनसे, सिस्टमेटिक टॉक कि आपने ऐसा किया आपने वैसा किया। और यार मेरी वो आदत ना है कि मैं इन्हें गिनवाऊँ बैठ के कि ओ तुमने ऐसा किया। अब ये जैसे टॉपिक खत्म हो गया, अभी मेरे लिए ख़त्म हो गया। अब मैं दो दिन बाद नहीं बोलूँगा कि तू तो रोटी डालने में नूकर है, रोटी मैं खा रहा था। तो नए दिन नए टॉपिक पर बढ़ा जाएगा, तो ऐसी आदत है मेरी थोड़ी। साढ़े नू चला गया परामटा मेरा बटर वटर लाया निकाल गए। बट मैंने क्यों ही करी मैं, अरे मैं देख गया, मैं पूछ रहा जी आता, मैंने कि इसमें कोई छोटा पराठा नहीं, क्योंकि मैंने एक छोटा था तो एक बार छोटा कहूँगा तो मेरा बराबर हो जाएगा। मैंने कि इसमें कोई छोटा पराठा नहीं है, साढ़ा मैं ढूंढ रहा छोटा पराठा, छोटा ना मिला, सारे बराबर थे। मैंने एक निकाल गया नू रख दिया अपनी पे। अब मैं जा रहा बटर लेने को जो मैंने रख रखा मेरा परामठा छीन लिया भाई, छीन लिया परामठा यार प्लेट में से। क्या दिन आ गया, साढ़े हाथ में से परामठे परुमठे जाने लग गए हाथ में तो रोटी घुस गई। कैसे से यार, कभी कभी ऐसे प्यार से खिलाते हैं कि आइए बताइए क्या खाएं यार। प्योर नाइन में भाई, ये तो ध्यान रखियोगा तो बहम में हो तू। ये तो जिया बना रही थी, जिया वाले की नु कह रही थी कि अरे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें लेना है ले लो, पर मेरे कानों में गूंज रही हुई, अरे सबके तो इतने इतने परामठे है ना, सब गूंज रही, सबके तो इतने इडियट्स की तरह सबके इतने ही पराठे हैं। बहन की आंख, मगर मेरा परामठा घुस गया और मैं कुछ कर नहीं पा रहा परामठे का यार मैं इतना ढीट वीट तो हूं नहीं, मगर ले नुखान लग जाऊं बैठ के इसके आगे, ले अब क्या करेगी बता, रोकेगी प्लेट तोड़ेगी। प्लेट पकड़ता परांठा लेता ऐसे खाता, रोक ये आदत नहीं मेरी, रोक इसका, के दिखा। इसका जेरा भरना होगा ना, इसका जेरा भरना होगा जब मारा रोक दिया। इनके घर में रोटी टूक तो है ना साढ़े दूसरे का खुश है, पेट अंदर दो है इसका आज, इसके पेट इसके इसका दस्त लगेंगे बस 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 यादव साहब दस्त लगेंगे। पर एक तो इतने अच्छे से रहूं मैं इसकी गैल, मगर बढ़िया ड्रेस पहनता हूँ, बढ़िया चप्पल चुप्पल है, क्या सेंट लगाया, बढ़िया चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूँ मैं यार। माँ को सब कती उम्मीद ना थी साला यहाँ पर कोई खाने को टोक देगा कोई भी यहाँ भाई, किन किन चीज़ों की टोक है तुझे नहीं भाई। हम तो ना देखा कौन कितना खा रहा, तुम खाते रहो या कोई भी, ये इनका तो देखूँ ना मैं खावे कब है, क्या परामठे खा रही है मेरे हिस्से का खा लियो जो मैं छोड़ खाया। उसको लग रही भूख, खाइए आपके लिए लेके आऊंगी। अरे मेरे लिए लेके आइए, मैं तो खा लिया। हमको अंदर कुछ कुछ बात से सुनने में आया कि आपको खाइए, मेरे को देर में पेट भर गया कसम से, लपेट के दे दें। अरे ना ना, अरे ये क्या लग लिया ही, ये ना खाई करूंगा कुछ भी, अरे कुछ ना खाई करूंगा, मेरा पेट भर गया, खाइए खाइए ना चलें।